जय जोहार हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़े बयान के साथ। सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सूत्रों से जानकारी लगी है, भूपेश बघेल ने ही ईओडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी है, उसी आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। विजय बघेल की भूपेश बघेल को चुनौती है। क्या डर रहे हैं भूपेश बघेल? राजनांदगांव जा रहे हैं भूपेश बघेल, दुर्ग से चुनाव लड़े भूपेश बघेल। सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान। तो जांच एजेंसी को भूपेश बघेल ने ही चिट्ठी लिखी, यह कहना है विजय बघेल का। देरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो आरती थोड़ी उतारेंगे, ईडी कार्रवाई तो होगी। और ईओडब्ल्यू के पास पहले से शिकायत थी, मुझे ऐसा पता चला है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता, अगर मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी तो भी कहूँगा, मगर ऐसा मुझे कहीं से जानकारी हुई है सूत्रों से कि पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उसी ने चिट्ठी लिखी थी। क्यों राजनांदगांव जा रहे हैं भाई? दुर्ग से लड़ना चाहिए उनको, दुर्ग से पहले भी लड़े हैं, ताराचंद जी के साथ लड़े थे, फिर रायपुर में रमेश भाई जी के साथ लड़े, यहाँ भी मौका है, लड़ना चाहिए उनको। अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि के छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास हम आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, बड़ी बात, दो बातों का जिक्र उन्होंने किया और दोनों ही बड़ी बात कि चुनाव यहां से लड़कर दिखाएं दुर्ग से, दूसरा खुद भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है। मिथिलेश, निश्चित रूप से ललित, ये दो बड़े बयान जो है दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दिए हैं और इन्होंने ये चर्चा के दौरान कहा कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने ये कहा था कि चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज को लेकर कुछ दिक्कत है और आगे इस खबर का अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे लेकिन तकनीकी दिक्कत होने की वजह से उनकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। और विजय बघेल पर शिव डहरिया ने पलटवार किया है। भूपेश बघेल पर आरोप जो लगाए गए हैं, विजय बघेल पर उन्होंने निशाना साधा है कि कुछ भी आरोप लगा रहे हैं विजय बघेल, हार जीत होते रहती है, पार्टी जो तय करेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे भूपेश बघेल, ये कहना है शिव डहरिया का। पार्टी के नेता क्या कहते हैं उस पर हमको नहीं जाना है और हमारी पार्टी के लोग और हमारी सरकार जो है भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सबसे बेहतर काम करने वाली सरकार रही है और चुनाव में हार जीत लगे रहते हैं, उन कारणों की अभी परीक्षण भी हो रहा है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो गलतियां कुछ हुई होंगी। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप के ये सिलसिले लगातार चल रहे हैं और विजय बघेल ने बयान दिया, अब शिव डहरिया पलटवार कर रहे हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, बड़ा बयान और अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू। मिथिलेश, निश्चित रूप से भूपेश बघेल और विजय बघेल दोनों आमने सामने होते रहे हैं। इस बार भी विजय बघेल ने चुनौती दी है कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, वे दुर्ग में आकर चुनाव लड़े। चूंकि दुर्ग में विजय बघेल अभी वर्तमान सांसद है और कांग्रेस से यदि उनको टिकट मिलती है भूपेश बघेल को, तो एक बार फिर से ये आमने सामने होंगे, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि वे दुर्ग से इंटरेस्ट दिखाए क्योंकि दुर्ग उनकी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, इसलिए उनको दुर्ग से चुनाव लड़ना चाहिए। तो एक तरह से उन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि वे दुर्ग में आए और दुर्ग से चुनाव लड़े। दूसरा ये दिया है कि ईडी के मामले को लेकर कि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है उसके में कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल ने ही ईओडब्ल्यू की चिट्ठी लिखी थी उसी चिट्ठी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। तो एक बड़ा बयान ये दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दिया है। तो दोनों ही बयानों को लेकर काफी चर्चा हो रही है क्योंकि जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी रिश्ते में चाचा और भतीजा जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने थे, विजय बघेल और भूपेश बघेल, और एक बार फिर से अब ये चुनौती दे रहे हैं कि वे यहां दुर्ग में आए और दुर्ग से चुनाव लड़े ताकि वे फिर से एक आमने सामने हो सके। जी, तो चाचा बनाम भतीजा, और ये भी तय है कि चाचा बनाम भतीजा के जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है ये बड़ी खबर हो जाती है,
ये जानते हैं विजय बघेल और उसी लिहाज से वो बयान दे रहे हैं। जी निश्चित रूप से जिस तरह से ये जानते हैं विजय बघेल कि यदि उनको कांग्रेस से भूपेश बघेल को टिकट मिलती है तो फिर आमने सामने होंगे, उनके पहले से ही ये लालसा रही थी। यदि मैं विधानसभा चुनाव की बात करूं तो उस समय भी वे ये चाहते थे कि सीधा वे भूपेश बघेल से टकराएं, क्योंकि ये जो है इनकी चाचा और भतीजे की लड़ाई आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है और वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो उनका जो इंटरेस्ट है चुनाव का वो भूपेश बघेल के साथ ही चुनाव लड़ने का है। जब वे सांसद थे तब जब उनको टिकट नहीं मिली थी तब उन्होंने ये कहा था कि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिसका सामना होगा जो सामने वाला हो वो भूपेश बघेल हो, और आखिरकार हुआ भी वही था कि उन्होंने भूपेश बघेल के खिलाफ में पाटन से चुनाव लड़ा था और हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है अब फिर से उन्होंने ये चुनौती दी है कि वे आए दुर्ग में आए और दुर्ग से चुनाव लड़े, तो एक तरह से चुनौती है, बड़ी चुनौती दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भूपेश बघेल कुछ बदलाव में कुछ इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि राजनांदगांव रुचि रखने और राजनगर से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं ललित। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट और आपकी स्क्रीन पर, बड़ी खबर, भूपेश बघेल ने इनकार कर दिया, लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मैं तो विधायक हूं, प्रदेश भर में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं, मैं समझता हूं कि यह जिम्मेदारी मिलेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने बघेल के नाम का प्रस्ताव रखा था, तो अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मैं विधायक हूं और घूम घूम कर प्रदेश में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं भूपेश बघेल और प्रदेश में घूमकर प्रचार करना चाहते हैं, वो विधायक हैं, उनका ये कहना है। लोकसभा चुनाव को लेकर चूंकि बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि पूर्व मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जाएगा, महिलाओं युवाओं को तरजीह दी जाएगी, इस लिहाज से ये बड़ा बयान। इसके ठीक पहले आपने विजय बघेल को भी सुना, अब भूपेश बघेल कह रहे हैं कि नहीं, उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, चुनाव लड़ने से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इनकार। देखिए भूपेश बघेल जो है कल तक ये खबर आई थी और ये प्रस्ताव भी रखा गया था कि भूपेश बघेल जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, राजनांदगांव से लड़ सकते हैं। मोहम्मद अकबर ने प्रस्ताव रखा था और सहमति की भी बात की जा रही थी। भूपेश बघेल ने कहा कि सभी लोगों के लिए प्रस्ताव रखे गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सब जगह जाके प्रचार प्रसार करूं जो बाकी लोग जो लड़ रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा पार्टी के लिए, क्योंकि वो अगर एक तरह से कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधानसभा में भी पूरा दारोमदार उनके ऊपर रहा है, तो उनका कहना था कि ज्यादा बेहतर होगा। तो जाहिर तौर पर इससे साफ कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और इसके साथ ही अगर बात करें तो तमाम जो पूर्व मंत्री हैं उनके नामों को लेकर भी चर्चा हुई, और अभी अभी सचिन पायलट ने कहा कि हम लगातार सबके नामों पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन उसी को टिकट मिलेगी जो चेहरे हमें लगते हैं कि जो जीतने वाले हैं। और इसको लेकर एक क्राइटेरिया ये भी होगा कि यूथ हो या चाहे महिला वोटर्स हो, महिला प्रत्याशी हो, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और इसी को लेकर ये पूरा मंथन हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से, धर्मांतरित लोगों की हुई है घर वापसी। तकरीबन 1000 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है और प्रबल प्रताप जूदेव ने घर वापसी करवाई। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में ये घर वापसी करवाई गई है, विधि विधान से पूजा अर्चना इनसे करवाई गई। अपना धर्म छोड़कर जो चले गए थे अब उनकी वापसी हुई है, घर वापसी हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में ये घर वापसी हुई है। रायपुर में आज घर वापसी कार्यक्रम है और यहाँ पर एक ऐतिहासिक घर वापसी कार्यक्रम कर रहे हैं।
आप सीधा देख सकते हैं किस तरीके से सनातन धर्म के अनुसार विधिवत पूजा अर्चना करके यहाँ पर लोग घर वापसी कर रहे हैं। महाराज का यहाँ पर कथा का आयोजन जहाँ पर भाजपा नेता प्रबल वापसी जीव जी के मार्गदर्शन में धर्म वापसी का कार्यक्रम कराया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। ये सनातन धर्म की चिंता ही कहेंगे जो दूसरे धर्म में चले गए थे परिवर्तित हो गए थे वह लोग सनातन धर्म में आस्था दिखाते हुए घर वापसी कर रहे हैं। चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का कथा चल रहा है और जब वह आयोजन स्थल है गुढ़ियारी का मैदान जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश भर के लोग आगे पहुँचे हैं और धर्म वापसी घर वापसी कार्यक्रम के गवाह बन रहे हैं। एक और मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ। रायगढ़ शहर के सावित्री नगर में किराए के मकान में धर्मांतरण होने के आरोप लगे हैं। इसकी भनक लगते ही बीजेपी पार्षद, बीजेपी कार्यकर्ता, बजरंग दल ये सभी मौके पर पहुंचे और फिर मारपीट हुई है। पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उन्हें थाने ले जाया गया है। सावित्री नगर के सामने एक बहुमंजिला इमारत में शहर के कांग्रेस नेता के बड़े भाई राजू जुनेजा व्यवसायी हैं और उन्होंने इसे किराए पर दिया हुआ है। इसी मकान में धर्मांतरण करवाया जा रहा था, ये आरोप लगे हैं। तो मुझे तुरंत सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर धर्म प्रचार कार्यक्रम चल रहा है, तो मैंने तुरंत सीएसपी साहब को और जूट मिल टीआई को मैंने फ़ोन किया और वो लोग तुरंत कार्य उनके पहुँचने से पहले हम लोग एक दो पार्षद और 8-10 कार्यकर्ता में मिल के हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो ऊपर में पूरा टीवी डीवीडी सब चल रहा था और टोटल वहाँ पर जितने लोग थे 100% हिंदू लोग थे। उनका आधार कार्ड यदि वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो 100% हिंदू ही निकलेंगे और उसमें से हमें पूछा गया तो भी वो लोग हिंदू हैं बोले और उनको पूरा ड्रेस पहनाकर उनके साथ यानी उनको प्रेयर कराया जा रहा था और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग सब इकट्ठे हो गए और लेडीज़ लोगों को सामने करके झारा बेलचा और सब लेके हम लोग प्रहार करने लगे और लूट झपट करने लगे। इसमें चैन मैन भी खींच लिए। शाम को लेकर 6-7 लोग थे बाहर के जो अपने कुछ धर्मग्रंथ का प्रचार प्रार्थना कर रहे थे तो अभी उनको लेकर थाना जा रहे हैं और वहाँ पर पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ फिर उसके अनुसार से फिर कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मंथन का दौर चल रहा है। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज चुनाव समिति की बैठक हुई है। प्रभारी सचिन पायलट और दीपक बैज की अगुवाई में इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस बीच कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख रजनी पाटिल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव है और इस पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। रजनी पाटिल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। मैम, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी लोकसभा को लेकर? एक तो हमारे दिमाग में ये है कि सबको लेके हम साथ में चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे अध्यक्ष, हमारे इंचार्ज, हमारे सभी प्रभारी, ये सब मिलके हम इसका डिसीजन ले लेंगे। सर, एक बात आई थी कि एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो राजनांदगांव से लड़ सकते हैं और तमाम और जो मंत्री हैं वो भी पूर्व मंत्री जो हैं वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अभी जैसे भी सुझाव आएंगे उसके ऊपर हम पूरा विचार विमर्श करेंगे और हम सभी नेताओं के बाद और वरिष्ठ नेतागण के साथ बातचीत करके उसका निर्णय लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो चेहरे खारिज हो चुके हैं उनके ऊपर आप दाव लगाएंगे, मतलब एक बड़ा रिस्क ले सकती है? उसके ऊपर चर्चा होगी। मैंने वही बोला, चर्चा करके ही निर्णय लेंगे। महिला वोटर्स बड़ी संख्या में, तो क्या महिला प्रत्याशी आप उतारेंगे? हमारे तो महिला एमपी है नए छत्तीसगढ़ में, महिला सांसद है इनकी पत्नी। तो ये है प्लीज। तो ये रजनी पाटिल है और इन्होंने बताया कि एक कोशिश यही है कि लगातार बातचीत, लेकिन एक यूथ चैनल को क्या प्राथमिकता? देखिए, ये सभी चर्चा आज हो गया हमारी मीटिंग में और उसके बाद में ही हम बता सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जी। तो ये उन्होंने बताया कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है और ये जो बैठक है इसमें किस तरह की चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला और जो यूथ जो है उनको खासतौर पर प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरा पर्सन सचिन नवीन के साथ ममता लांजी, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूर्व मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है, इस पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसा है।
नेताम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के लिए एक सीट भी जीतना मुश्किल है। विधानसभा चुनाव में जनता ने जो जनादेश दिया है बीजेपी को, उससे कांग्रेस हिल गई है। कांग्रेस की जो स्थिति है वो कदम ताल कर रहे हैं, आप पूर्व मंत्री को उतारेंगे, पूर्व सांसद को उतारेंगे, कि किनको उतारेंगे वो उनका निजी मामला है। बहुत कुछ मुझे नहीं कहना, इतना ही है कि अभी कांग्रेस एक तरह से निराश है, हताश भी है और टूट चुके हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से एक वातावरण बना करके चल रहे थे कि नहीं हमारी सरकार रिपीट हो रही है, अब जब प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया उससे ये पूरी तरह से हिल गए हैं। जगदलपुर में छात्रावास अधीक्षक और मंडल संयोजक पर 36 लाख रुपए के गबन का आरोप लगा है। मामला बास्तानार ब्लॉक के बिरचेपाल का है। दस्तावेजों में हेरफेर के जरिए 8 साल से गबन हो रहा था, इस बात का खुलासा हुआ है। आरोपों के मुताबिक बच्चों के लिए आई राशि का सालों से दुरुपयोग किया जा रहा था। वाउचर, कैशबुक, अभिलेख, इसमें गड़बड़ी पाई गई है। मतलब जो बच्चे छात्रावास में नहीं रह रहे हैं उनके नाम पर राशि निकाल ली गई। खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने सहायक आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, रकम की वसूली के आदेश दिए गए हैं। स्थिति को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ बच्चे रात पर रहते होंगे, दिन में हो सकता है स्कूल से आने के बाद बच्चे कुछ देर वहां रहते होंगे, पर स्थिति ऐसी कोई नहीं पाई गई थी। तो उसके बाद में आस पड़ोस ग्रामीणों से चर्चा की गई, वहाँ के सरपंच जी से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि आश्रम में रहता तो कोई नहीं, आते हैं जरूर, दर्ज जरूर है यहाँ पे 50 बच्चे, पर रहते नहीं हैं। तो इस पर और भी हमारी टीम के सदस्य थे, हमारे ऑफिस का स्टाफ था, उनके साथ हमने विस्तृत जांच की और उसमें कोई भी रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन पाया नहीं गया। तो जिसके आधार पे अब जो बच्चे आश्रम में छात्रावास में दर्द थे वो स्कूल के मध्यान्ह भोजन से ही उनका खाना चल जा रहा था और खा के घर चल देते थे। इस आधार पर हमने कार्रवाई की है और कलेक्टर साहब के संज्ञान में लाया गया। साहब ने कहा कि जो भी निर्णय लिया सर ने कि वसूली करा जाए तो वसूली कराया गया। रायपुर शहर की वीआईपी रोड के चौराहे का लुक अयोध्या की सड़कों के जैसा कर दिया गया है। यहां के चौराहे पर राम की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। इसके अलावा सड़क पर भी कुछ पोल लगाए गए हैं, पोल के ऊपर भगवान का चित्र बनाया गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन भगवान राम के ननिहाल में इसकी खुमारी अब तक छाई हुई है। और इसी कड़ी में शहर के वीआईपी रोड के चौराहे का लुक अयोध्या की सड़कों से जो है वो कर दिया गया है। तस्वीर हम आपको वीआईपी रोड के सड़क का दिखा रहे हैं और सड़क पर आप देख सकते हैं कि कुछ पोल आपको तस्वीर पर नजर आ रहे होंगे। इस पोल पर प्राचीन नक्काशी जो है वो की गई है। इसके साथ ही इस पोल के जस्ट ऊपर में आपको भगवान का चित्र भी जो है वो नजर आ रहा होगा। और इस पोल पर नक्काशी बिल्कुल वैसे ही की गई है जैसे प्राचीन मंदिरों के स्तंभ पर जो है की जाती है। और जैसे ही इस पोल और इस सड़क से आप सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएंगे आपको भगवान राम की सफेद कलर की प्रतिमा यहाँ पर नजर आएगी। और इस प्रतिमा के जस्ट सामने ही राम मंदिर है। साथ ही अब इस प्रतिमा के साथ साथ इस वीआईपी रोड की सड़क का नाम भी बदलकर भगवान राम के नाम पर रखने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इस सफेद प्रतिमा में भगवान राम जो है वो धनुष लिए हुए खड़े हैं और इसके साथ ही इनके ऊपर का ये जो गेट है उसको धनुष की आकृति में जो है बनाया जा रहा है। और एक बेहद ही अच्छा माहौल अब भगवान राम की प्रतिमा के यहाँ पर लगने से इस रोड पर हो गया है और जस्ट सामने राम मंदिर है। ऐसे में इस सड़क पर आप जैसे ही आएंगे माहौल जो है आध्यात्मिक सा हो जाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़।